दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत सारी तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, जिनको करने से धन की सारी परेशानी बिल्कुल तुरंत ही दूर हो जाती है। और अगर घर में जितनी भी परेशानी या किसी भी प्रकार का संकट अगर चल रहा होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि घर में जब भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं तो उसकी वजह से धन का बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। और अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे मेहनत का भी कोई भी फल और लाभ प्राप्त हो ही नहीं पाता है। और जब भी ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा निराशा घेरने लग जाती है। लेकिन आपको बता दें, कुछ खास क्रियाओं को अगर कर लिया जाए तो इससे किस्मत तुरंत ही बलवान हो जाती है। इस प्रयोग को आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि करना किस प्रकार है। आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा किसी भी प्रकार का आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिलाई आदि वगैरह बिल्कुल भी ना हो, यानी कि बिना सिला लाल कपड़ा ही आपको लेना है। तो ऐसा कपड़ा आप कहीं से काट सकते हैं या कटवा कर भी ला सकते हैं। उसके बाद आपको एक धतूरे का फल लेना है और यह धतूरे का फल आपको भगवान शिव पर चढ़ा देना है आप। और इसी धतूरे के फल के साथ अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है, तो धतूरे के फल के साथ आपको एक मुट्ठी चावल अपने लिए धतूरे के फल के साथ ही चढ़ा देने हैं। और अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो ऐसे में चावल की जगह आपको काले तिल लेने हैं, वो भी एक मुट्ठी आपको लेने हैं। सावन के किसी भी दिन आप भगवान शिव को एक मुट्ठी तिल या एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर उसके ऊपर एक धतूरे का फल रख दें। और ये प्रयोग आपको केवल रात को ही करना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसीलिए जिस दिन आप ये प्रयोग को करेंगे उस दिन आपको बिल्कुल हल्का फुल्का ही भोजन करना है। और जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आटे का आपको एक चौमुखी दीपक आपको जलाना है, घी का दीपक आपको जलाना है। और इस प्रकार जलाकर आपको भगवान शिव के सामने इस दीपक को रख देना है, उसी के बाद सारी चीज़ें चढ़ानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें उसी लाल कपड़े में बिछाकर ऊपर रखनी है और एक दिन के लिए, यानी कि इस प्रकार आपको व्यवस्था करनी है कि पूरी रात यह दीपक जलना चाहिए। ऐसा चढ़ाने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जिस परेशानी से, जिस संकट से आप जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको भगवान शिव के सामने बोल देनी है और जैसा आप हल चाहते हैं वो भी आपको बस बोल देना है। और इस प्रकार करके आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि आज आप 9 बजे इस प्रयोग को करेंगे खाना वाना खाकर, तो अगले दिन सुबह 9 बजे ही आपको ये जो लाल कपड़े की पोटली आपने बनाई है ये आपको उठा लेनी है, यानी कि 12 घंटे आपका दीपक जलना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्था आपको करनी है। उसके बाद ये पोटली तैयार कर लेने के बाद, अगर आपने धन के लिए यह पोटली तैयार करी है तो इस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है, या फिर जहां पर आप सोने के आभूषण या धन वाली चीज़ें रखते हैं वहां पर इसे रखा जा सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, इसी पोटली को अगर धन की तिजोरी में या जहाँ पर वो लेन देन करते रहते हैं वहाँ पर अगर रख लेते हैं तो इससे उनका व्यापार बहुत ही ज़्यादा दुगनी तेज़ी से चलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने शत्रु के लिए यह पोटली तैयार करी है तो उसके लिए आपको यह पोटली अपने घर की किसी भी दक्षिण दिशा में ऊपर की ओर टांग देनी है, क्योंकि शत्रु जितना भी प्रहार करता है वह दक्षिण दिशा से ही करता है और यही पोटली आपको दक्षिण दिशा में टांग देनी है। बस इसी प्रकार यह प्रयोग आपको करना है, जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार करके आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।